हरे कृष्णा राधे राधे, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि राधा कृष्ण जी की कृपा से आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाले हैं, निर्जला एकादशी के दिन अगर हमें प्यास लगे तो हम क्या करें, ऐसा कौन सा उपाय है जो हम करें तो हमें निर्जला एकादशी के दिन बिल्कुल भी प्यास ना लगे। तो आज के वीडियो में आपसे उन्हीं विषय में चर्चा करूंगी। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूले। ज्येष्ठ मास को निर्जला एकादशी आती है। ज्येष्ठ मास में गर्मी अपने चरम सीमा पर होती है और उस वक्त हमें बहुत प्यास लगती ही लगती है। तो ऐसा कौन सा उपाय है जो हम निर्जला एकादशी के दिन करेंगे तो हमें प्यास नहीं लगेगी। तो निर्जला एकादशी का जो वक्त होता है, अगर हम निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं तो हमें सभी एकादशियों का फल मिल जाते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत भीम ने भी निर्जला एकादशी का व्रत करके फलों को प्राप्त किया था। तो निर्जला एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए जिसके कारण हमें प्यास न लगे। क्या निर्जला एकादशी के दिन में रात को पानी पीना है, जैसे कि हम करवा चौथ में पीते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि कई लोग सोचते हैं कि निर्जला एकादशी को रात के समय हम पानी पी लें, जैसे कि हम करवा चौथ के दिन करते हैं। तो देखिए, सनातन धर्म में क्या होता है, सनातन धर्म में जब सूर्य उदय होता है, जब ये अगला दिन लगता है, जैसे निर्जला एकादशी का मान लीजिए, जैसे कि सूर्य उदय होता है, मान लीजिए सूर्य उदय हो जाएगा हमारे 5:45 तक, जैसे ब्रह्मोस रहता है, उसी दिन हमारा जैसे कि एकादशी व्रत शुरू होगा। निर्जला एकादशी कई लोग सोचते हैं जैसे कि रात के 12:00 व्रत शुरू हो गया, और कई लोग जैसे बात रखते हैं तो बात रखने के बाद रात के 12:00 खाना खा लेते हैं, सोचते हैं दूसरा दिन लग गया। ऐसा नहीं होता है। जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में हमारे सनातन धर्म में माना जाता है, ब्रह्म मुहूर्त में ही दूसरे तिथि माना जाता है। तो निर्जला एकादशी के दिन आप रात को भी पानी पी सकते हैं। रात को आप 3:30 इतने बजे 4:00 तक आप पानी पी सकते हैं। फिर इसके बाद आपको एक उपाय और बताती हूँ, जो कि राधा रानी जी ने अपनी सखियों को बताया था। राधा रानी की दासी ने उनसे पूछा था कि निर्जला एकादशी हम कैसे करें कि हमें प्यास ही ना लगे। तो राधा रानी जी ने बताया था कि निर्जला एकादशी से एक दिन पूर्व यानी दशमी तिथि के दिन हमें एक समय भोजन करना है। जैसे एक ही समय आपको भोजन करना है, वो भी आपको मीठा भोजन करना है, मम्मी तला हुआ भोजन नहीं करना है, नमक वाला खाना नहीं खाना है। दशमी तिथि को आप एक समय भोजन करिए, आप दोपहर के समय भोजन कर लीजिए, सिर्फ मीठा भोजन करना है, ना नमक वाला और ना ही तला हुआ भोजन खाएंगे, आप खीर बनाकर खा लीजिए। तो आप देखना कि एकादशी निर्जला एकादशी के दिन आपको बिल्कुल भी प्यास नहीं लगेगी। श्रीमती राधा रानी जी ने ये उपाय बताया है। तो अब निर्जला एकादशी के दिन ही, जैसे कि सुबह हम मुंह में पानी भी ना डालें, कुल्ला भी ना करें तो कैसे बात करें। तो देखिए, निर्जला एकादशी के दिन आपको कुल्ला कर, कुल्ला के लिए क्या करना है, थोड़ा सा पानी लेना है बस अपने मुंह में, और वो पानी कुल्ला करके आपको फेंक देना है। आपको ध्यान रखना है कि वो पानी आपके गले तक बिल्कुल भी ना जाए, थोड़ा सा ही पानी लेना है और वो कुल्ला करके फेंक देना है। तो निर्जला एकादशी के दिन अगर आपको दिन में भी प्यास लगे तो आप यह उपाय कर सकते। बस इतना ही जल लीजिए जो आपके मुंह तक रहे, गले तक न जाए, नहीं तो आपका व्रत टूट सकता है। और अगर दिन में कभी आपको और प्यास लगी, जैसे प्यास सताए, तो आप थोड़ा सा पानी लेकर अपने होठों को गीला कर सकते हैं, और तो और आप जैसे कि कोई गीला कपड़ा लेकर अपने सिर में रख लीजिए, आपको बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। आप अपने पैरों में भी गीला कपड़ा रख सकते हैं, उससे भी आपको बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। तो निर्जला एकादशी से एक दिन पहले आप बहुत सारा पानी पिए, ताकि आपके शरीर में ग्लूकोज की कमी ना हो। नारियल पानी पिए तो जितना हो सके दशमी तिथि को आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, और मीठा भोजन करें, नमक वाला खाना बिल्कुल भी ना खाएं, तला हुआ खाना बिल्कुल भी ना खाएं, और उस दिन आप बाहर भी ना निकलें, नहीं तो आप जैसे सूर्य की गर्मी में निकलेंगे तो आपको प्यास लगेगी। तो आप उस दिन निर्जला एकादशी के दिन ज्यादा कोशिश करिए कि आप बाहर ना निकलें।
घर में ही रहें, कम बोलें और आप माला जाप वगैरह करें तो मुंह से बोल के ना करें, मानसिक रूप से करिए। नहीं तो जितना हम बोलेंगे जितना अपने शरीर को थकाएंगे तो प्यास लगेगी, इसलिए आप मानसिक रूप से ही दिन पूजा अर्चना माला आदि कीजिए और संकल्प जरूर लें। यह संकल्प लेने से आपको ध्यान भी रहेगा कि हमने संकल्प लिया है हमें निर्जला एकादशी का व्रत करना है। और सच मानिए, संकल्प लेने से हमें भगवान शक्ति जरूर देते हैं। और एक उपाय मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि ये जीभ हमारी, यह जीभ है, इसको आपको इस तरीके से अपने तलवे में, यानी तलवे सौर तालु जो बोलते हैं, यहाँ पर लगाना है। थोड़ी देर के लिए ऐसे करके लगाकर थोड़ी देर बैठे, जब आपका गला सूखने लगेगा तो आपको प्यास बिल्कुल भी नहीं लगेगी। तो ये कुछ उपाय है जो मैंने आपको बताएं। निर्जला एकादशी के दिन आप करना तो आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि आपको प्यास लगी है या नहीं लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे, राधे।